हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है चिकन। पर चिकन बनाने में फ्रेंड घंटों टाइम लग जाते हैं और हम लोग परेशान हो जाते हैं, बनाना आफत का पुड़िया नज़र आता है। तो रुकिए फ्रेंड्स, आज हम ऐसी ट्रिक लेके आए हैं कि सिर्फ आप इसको 25 मिनट यानी 25 मिनट में इसको बना के बिल्कुल रेडी कर लीजिएगा फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमने 600 ग्राम चिकन लिए हैं और इसको फ्रेंड धो के अच्छे से बिल्कुल वॉश करके एक प्लेट में हम रख लिए हैं। और देखिए फ्रेंड, हमने प्याज 4 बड़े प्याज हमने ऐसे स्लाइसेस में कट कर लिए हैं और हाफ प्याज फ्रेंड इसमें हम डाल देंगे चिकन में और हाफ प्याज को हम अलग रखेंगे। तो देखिए, हमने हाफ प्याज को डाल दिए हैं और हाफ हमने अलग रख लिए हैं। अब इसको हम मैरिनेट कर रहे हैं फ्रेंड, और इसमें हम रेड मिर्ची और लहसुन और जीरा और काली मिर्च का हम पेस्ट 4 चम्मच लगभग ऐड कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो इसको हम ऐड कर दिए हैं। अब हम हल्दी ऐड कर दिए हैं 1 चम्मच, और यहाँ पे फ्रेंड हम 2 चम्मच चिकन मसाला ऐड कर दिए हैं, और यहाँ पे हम और रेड मिर्ची 1 चम्मच कश्मीरी रेड मिर्ची ऐड कर दिए हैं फ्रेंड। इससे हमारे चिकन में प्रॉपर बढ़िया सा कलर आता है, बिल्कुल ढावा जैसा चिकन करी जो रहता है फ्रेंड, बिल्कुल उसके जैसा कलर आएगा। और इसमें हम 4 से 5 चम्मच लगभग सरसों ऑयल ऐड कर दिए हैं, और ये सब को फ्रेंड हम अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हम मैरिनेट कर लेते हैं फ्रेंड, और इसको हम आधे घंटे के लिए कवर करके रख देंगे। अगर फ्रेंड आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप 1 घंटा के लिए भी रख सकते हैं। और फ्रेंड, एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, नमक यहाँ पे बिल्कुल ऐड नहीं करिएगा, नहीं तो फ्रेंड यहाँ पे पानी सारा छोड़ देगा चिकन, और जो हमने मसाले ऐड किए थे वो अच्छे से बिल्कुल भुनेगा नहीं फ्रेंड। तो यहाँ पे बिल्कुल नमक को स्किप करना है फ्रेंड, बिल्कुल ऐड नहीं करना है। तो देखिए, हम एक एक पीस में मसाला को अच्छे से लगा देते हैं ताकि इसमें मसाले का फ्लेवर अच्छे से जाए। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से लेग पीस को भी हम देखिए अच्छे से बिल्कुल मैरिनेट कर दिए हैं, और जो भी इसमें मसाले हमने यूज किए फ्रेंड सारे पीसेस में हम अच्छे से लगा देंगे। और इसको फ्रेंड 1 घंटे के लिए, मेरे पास टाइम नहीं है फ्रेंड, तो हम आधे घंटे के लिए इसको हम मैरिनेट करके रख रहे हैं और यहाँ पे कवर करके रखेंगे फ्रेंड। आप एक बाउल में ट्रांसफ़र करके हम इसको कवर करके रख देंगे। तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इधर हमने गैस पे पैन को चढ़ा दिए हैं, और हमने मोटी तले का पैन लिया है फ्रेंड। इसमें चिकन अच्छे से बनता है, और इसमें 1 कप लगभग हमने सरसों ऑयल ऐड कर दिए हैं। अगर पता हो फ्रेंड तो सरसों ऑयल में अच्छा बनता है, चिकन का फ्लेवर आता है। और 1 चम्मच हमने जीरा का फोरन ऐड कर दिए, 1 तेज़पत्ता यानी बेली लीफ, और 1 रेड मिर्ची यानी लाल मिर्ची ऐड कर दिए हैं। और इधर हमने दालचीनी और कुछ काली मिर्च और 1 छोटी इलायची और 2 लौंग हमने ले लिए थे फिर, इसको भी डाल दिए हैं। फ्लेवर बिल्कुल अच्छा आएगा हमारे चिकन में। और इसको हम इस तरह से चला के 1 से 2 मिनट तक अच्छे से सारे मसाले को हम पका लेंगे ताकि हमारे चिकन में अच्छा सा फ्लेवर आएगा। तो देखिए, हमारे मसाले बिल्कुल अच्छे से पक गए थे। और देखिए फ्रेंड, जो हमने प्याज हाफ रखे थे वहाँ पे डाल के यहाँ पे हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक देखिए इसको फ्राई कर लिए। इस तरह से बिल्कुल फ्राई करना है। तो देखिए फ्रेंड, बिल्कुल अच्छे से कुरकुरा सा बिल्कुल फ्राई हो गया है, और जो हम मैरिनेट करके रखे थे फ्रेंड आधे घंटे के लिए, अब इसको हम सारे चिकन को यहाँ पे डाल देते हैं। और इसको फ्रेंड अच्छे से हम एक बार चला लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे बिल्कुल सावधानी से चलाइएगा फ्रेंड। तो देखिए, इस तरह से हम अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे मसालों के साथ। तो देखिए, बिल्कुल अच्छे से हम मिक्स कर दिए हैं। देखिए, इसका कलर कितना प्यारा आया है।
तो ये जो कश्मीरी रेड मिर्ची पाउडर हमने ऐड किए थे फ्रेंड, इससे बहुत अच्छा कलर हमारे चिकन में आता है प्रॉपर। और देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हम अब नमक को ऐड कर दिए हैं और इसको भी हम अच्छे से एक बार चला लेंगे। तो आप टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे नमक ऐड कर सकते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार, ताकि नमक जो है अच्छे से बिल्कुल हमारे पीसेस में मिक्स हो जाए। और यहाँ पे फ्रेंड हम कवर करके 25 मिनट या आधे घंटे हो सके तो फ्रेंड यहाँ पे कवर करके कुक करेंगे और एक बार बीच बीच में कभी कभी चेक भी कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, वाव कितना प्यारा कलर आया हमारे चिकन में फ्रेंड। हम इसको 25 मिनट से ऊपर में हम इसको आपको दिखा रहे हैं फ्रेंड, इसका कितना प्रॉपर कलर आ गया हमारे चिकन में। हमारे चिकन अच्छे से बिल्कुल सीज जाएगा फ्रेंड, और मसाले के साथ जो एक बार ये चिकन पकता है तो इसमें जो कलर आता है और इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट और अलग आता है फ्रेंड। आप इस तरह से ट्राई कर सकते हैं एक बार, और चिकन बनाने का झंझट भी ख़त्म फ्रेंड्स, कि हमको घंटों घंटों चिकन बनाने में लग जाते हैं मसाला फ्राई करने में, और बहुत सारे टाइम निकाल के हमको चिकन को बनाना पड़ता है फ्रेंड। तो आप इस तरह से इजीली आप बना सकते हैं, बैचलर हो और कभी फर्स्ट बार भी चिकन बनाने के लिए ट्राई कर रहे हैं वो भी आप बना सकते हैं, बिगिनर भी हैं तब भी आप परफेक्ट चिकन बना के रेडी कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड कितना प्यारा कलर आया है, बिल्कुल शादी पार्टी में जो चिकन बनता है हलवाई बनाते हैं फ्रेंड, बिल्कुल उसी का कलर आया है। और फ्रेंड्स आप चाहें तो यहाँ पे पानी भी ऐड कर सकते हैं, और नहीं तो फ्रेंड यहाँ पे आप ऐसे भी खा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड हमारा चिकन बिल्कुल 100% अंदर से कुक हो गया, बिल्कुल काटा छोड़ रहा है फ्रेंड। तो इसका मतलब आप समझ जाइए चिकन अच्छे से बिल्कुल कुक है। तो फ्रेंड यहाँ पे हम गैस का फ्लेम ऑफ कर दिए हैं और इसको हम ठंडा होने के बाद फ्रेंड 5 मिनट के बाद आपको सर्व करके दिखाएंगे, और 5 मिनट के बाद ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा फ्रेंड। तो देखिए हम आपको एक सर्विंग बाउल में सर्व करके दिखाते हैं। वाव देखिए फ्रेंड हमारा चिकन कितने अच्छे बन के बिल्कुल रेडी हो गए हैं, और देखिए जो इसका ग्रेवी है कितना थिकनेस पर आ गया है फ्रेंड। आप इसको चपाती चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं, अगर मेंबर आप ज़्यादा हैं फ्रेंड तो इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी आप चावल रोटी के साथ खा सकते हैं। बहुत ही यम्मी और टेस्टी लगती है फ्रेंड, और बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से ये कुक भी हो जाता और बन के बिल्कुल रेडी हो जाता है, घंटों के काम बिल्कुल मिनटों में हो गया फ्रेंड। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।